राजेंद्र लाहिडी जिन्हें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के नाम से भी जाना जाता है वह भारत स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण सेनानी थे इन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस लेख में आगे चलकर राजेंद्र लाहिडी का स्वतंत्र संग्राम में क्या नेतृत्व रहा है उसकी विस्तार में चर्चा करते हैं नाम राजेंद्र लाहिडी जन्मतिथि 23 जून 1901 जन्मस्थान जन्म स्थान भड़गा ग्राम पाबना जिला बंगाल नागरिकता भारतीय शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी इतिहास विषय में एम ए पिता क्षिति मोहन शर्मा माता बसंत कुमारी राजेंद्र लाहिडी का जन्म 23 जून 1901 को बंगाल के पाबना जिले के भड़गा नामक गाँव में हुआ इनके पिता का नाम क्षिति मोहन शर्मा और माँ का नाम बसंत कुमारी था उनके जन्म के समय उनके पिता बंगाल में चल रही अनुशीलन दल की गुप्त गतिविधियों में योगदान देने के आरोप में कारावास में कैद थे वर्ष 1909 में जब राजेंद्र महस नौ साल के थे इस समय उन्हें मामा के यहाँ वाराणसी भेजा गया ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए वाराणसी में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई वे पढ़ाई में बेहद रुचि रखते थे उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई वाराणसी से पूरी की तथा इतिहास विषय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से ही उच्च शिक्षा प्रदान की विद्यार्थी दशा में वह सबसे तेज और बुद्धिमान विद्यार्थी कहलाते थे काकोरी कांड के दौरान लाहिड़ी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में एम ए प्रथम वर्ष के छात्र थे जिस समय राजेंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इतिहास में एम ए कर रहे रहे थे तब उनकी मुलाकात बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता शचींद्रनाथ सानियाल से हुई थी राजेंद्र का देश प्रेम और आजादी के प्रति चाहत को देख शचींद्रनाथ सानियाल ने उन्हें अपने साथ रखकर बनारस से निकलने वाली पत्रिका बंग वाणी के संपादन का दायित्व दे दिया उसके साथ अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा के सशस्त्र विभाग का प्रभार भी सौंप दिया उनका कार्य देख उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गुप्त बैठकों में आमंत्रित भी किया जाने लगा आपको बता दें काकोरी कांड यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी इस कांड को सफल करने में रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां राजेंद्रनाथ लाहिड़ी ठाकुर रोशन सिंह समेत कुल दस क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान था 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से एक ट्रेन चली यह करीब लखनऊ से 8 मील की दूरी पर थी चलती ट्रेन में कुछ देर बाद तीन नौजवानों ने गाड़ी रोक दी उनके ही साथियों ने गाड़ी में मौजूद सरकारी खजाना लूट लिया उन जवानों ने बड़ी ही चतुराई से गाड़ी में बैठे यात्रियों को धमकाया एवं समझाया था कि उन्हें कुछ नहीं होगा सिर्फ शांति बनाए रखें। इस बीच एक यात्री जबरदस्ती से ट्रेन से नीचे उतर गया और गोली लगकर उसकी मौत हो गई इस घटना के बाद अंग्रेजों द्वारा की गई जांच में क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें सजा सुनाई गई काकोरी कांड के बाद बिस्मिल ने लाहिड़ी को बम बनाने का प्रशिक्षण लेने बंगाल भेज दिया कलकत्ता में कुछ दूर स्थित दक्षिणेश्वर में उन्होंने बम बनाने का सामान इकट्ठा किया इस समय किसी साथी की असावधानी से एक बम फट गया और वह धमाका सुनकर पुलिस वहां आ गई और सबको गिरफ्तार कर लिया गया उन पर मुकदमा दायर किया और 10 वर्ष की सजा हुई जो अपील करने पर पांच वर्ष कर दी गई तमाम अपीलों व दलीलों के बावजूद सरकार नहीं मानी और परिणामतः राजेंद्रनाथ लाहिड़ी पंडित राम प्रसाद अशफाक उल्लाखा तथा ठाकुर रोशन सिंह एक साथ चार व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई गई कहा जाता है कि सजा मिलने के बाद भी राजेंद्र के दिनचर्या में कोई भी बदलाव नहीं आया था वे सुबह जागकर कसरत भी किया करते थे यह देखकर एक दिन जेलर ने उनसे सवाल किया कि पूजा पाठ तो ठीक है लेकिन ये कसरत क्यों करते हो अब तो फांसी लगने वाली है तो ये क्यों कर रहे हो इस समय उन्होंने कहा था कि अपने स्वास्थ्य के लिए कसरत करना मेरा रोज का नियम है और मैं मौत के डर से अपना नियम क्यों छोड़ दूं? यह कसरत अब मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे दूसरे जन्म में विश्वास है और मुझे दूसरे जन्म में बलिष्ठ शरीर मिले इसलिए करता हूं ताकि ब्रिटिश साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकूं। इनकी फांसी को लेकर जनता ने अंग्रेजों पर दबाव डालना शुरू किया इस दबाव के कारण अंग्रेजी सरकार घबराने लगी थी इसलिए उन्होंने राजेंद्र को समय से पहले ही सत्रह दिसंबर उन्नीस को फांसी दे दी गई थी इस तरह राजेंद्र जी ने खुशी कुशी फंदा चूमने से पहले वंदे मातरम की हुंकार भरते हुए कहा था मैं मर नहीं रहा हूँ बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ